नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है ललिता फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रसाद पिंपरीकर सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कोरोना काल में ऐसे काफी लोगों को रोजगार चले गए थे, बेरोजगार हो गए थे, ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को आप अपने उद्योग के जरिए रोजगार दिया। आज भी महिला उद्योजक आपके यहाँ है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की आपकी गतिविधि है सामाजिक कार्यों की, इस बारे में आप बताइए। देखिए, ललित फाउंडेशन तो आज तकरीबन 13 साल हो गए हमारी NGO को जो कार्यरत है। हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देना या हंगर मैनेजमेंट, लोगों तक खाना पहुंचाना, ये सब कार्य करते रहते हैं। हाल ही में हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले, आप बोल सकते हैं कि कोरोना काल में ही, हम लोगों ने एक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है जिसमें हम तकरीबन 30 महिलाओं को डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं लक्ष्मी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से। प्लस हम लोगों ने Day 1 से, पहले दिन से कोरोना काल के, हम लोगों ने तकरीबन 700 लोगों को रोज खाना, 200 से 250 पुलिस वालों को चाय, नाश्ता, सैनिटाइजर, ये रोज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हम लोगों ने किन्नर समाज के लिए भी राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उन लोगों तक कुछ मदद पहुंचाना, ये सब चल रहा है। और अन्नदान सेवा तो हमारी रेगुलर चल रही है, हर हफ्ते चल रही है। तकरीबन 1 महीने में हम लोग 2 से 3 हज़ार लोगों तक खाना पहुँचाते हैं। यूँ तो देखा गया है कि तुर्की पंथियों के लिए आपने जो सेवा भाव दिखाया है कोरोना काल में, काफी वो आपने ग्रोसरी किट से लेकर हर चीज की मदद की है। इस तरह की जो मदद आपने जो जारी की है उनकी कई दिनों से मांगे भी काफी लंबी थे, उनको शासन की तरफ से कुछ मदद मिल नहीं रही, कई उनके प्रसाधन के भी कुछ मामले वो भी लंबी थे, तो उस बारे में आप आगे चल के उनको कुछ न्याय दिलाने के लिए कुछ करोगे या कोशिश? देखिए, शासन के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, उनकी जो जरूरतें हैं, सबसे पहले मैं इसके पहले के भी इंटरव्यूज में मैं लोगों को बोल चुका हूँ कि तृतीय पंथी को एक अलग पंथ ना मानते हुए हमारे ही एक समाज का वो एक विभिन्न या अभिन्न अंग है, तो वो हमारे लोगों में से ही एक है, तो उनको ऐसा एक डिफ्रेंशिएट हम क्यों करें। तो तृतीय पंथी एक सोच हो सकती है, एक जरिया हो सकता है, एक रहन सहन का एक तरीका हो सकता है, वो भी मानव है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों से अलग है। अब शासन ने इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसके लिए हम लोग NGOs जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग कर ही रहे हैं। प्रसाद सर, सर हमें ये भी बताइए कि इस तरह की जो आप निरंतर जो सेवा जारी है आपकी लॉकडाउन के बाद भी, जबकि अब अनलॉक हो चुका हुआ है, अभी काफ़ी लोगों को रोजगार मिल गया है, ऐसे में देखा गया है कि आप जो रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं, तो किस तरह का आपका रोजगार है और क्या एक तरह से एक्टिविटीज उस बारे में बताइए। देखिए, लॉकडाउन ने इतना बड़ा हेवी जोल्ट दिया है ना समाज को कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 साल तक वो जोल्ट से हम लोग उबर पाएंगे। तो जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग कर रहे हैं, अन्नदान सेवा चल रही है, रोजगार भी हम किसी न किसी तरीके से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार हम लोग देते हैं। जैसे किन्नर समाज भी हम लोगों का अगरबत्ती का व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग भी हमारी अगरबत्तियाँ बेच रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन की 30 महिलाएं डायरेक्ट रोजगार हमारे फैक्ट्री में हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हैं। तो इस तरीके के जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हम लोगों को आते रहेंगे, टाइम एंड अगेन विल ट्राई टू डू इट। लक्ष्मी ब्रांड का जो उपक्रम है आपका, ये काफ़ी सराहा गया लोगों के बीच में, आप जो प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो काफ़ी सराहना कर रहे हैं लोग, तो इकोनॉमिकली आप लोगों का सही रेट मिल रहे हैं और ऊपर से उसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी बढ़ रहा है, और लोगों की जरूरत ये है, लोगों की तरफ से जो भरघोस प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों की जरूरत है कि आप और ब्रांड को बढ़ाएं और काफ़ी लोगों को रोजगार दें, तो आगे चल के आपकी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है क्या? बिल्कुल, स्ट्रेटेजी तो है, बिना प्लानिंग के हम लोग आगे ही नहीं जाते। देखिए, मेरे हिसाब से जो USP हमारे प्रोडक्ट की है वो ये है कि हम लोग एक बिजनेसमैन के तौर पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, वी ट्रीट ourselves एज इंडस्ट्रियलिस्ट। हम एक इंडस्ट्री रन कर रहे हैं जिसमें हम लोग सबको एज अ फैमिली हम लोग मानते हैं। हमारे प्रोडक्ट में कोयले का इस्तेमाल नहीं होता है, हमारे प्रोडक्ट में प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है, सो ये सारी चीज़ें हमारी USP हैं। तो अगरबत्ती लाइन में बहुत कम लोग हैं जो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं या तवज्जो देते हैं, तो छोटी छोटी बारीक चीज़ें ध्यान में रखते हुए, जैसे अगरबत्ती का धुआं आपको तकलीफ ना दे, आपके घर में बच्चे हैं या छोटे पेट्स हैं तो उनको वो उसका उसकी हानि ना पहुँचे,
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वाइप आउट करके मॉस्किटो रिपेलेंट अगरबत्ती है, उसमें हम लोगों ने कोई टॉक्सिक केमिकल यूज़ नहीं किया, इट इज़ प्योरली हर्बल नेचुरल इसेंशियल ऑयल से हम लोग ने वो बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे प्लान्स हैं, ऊपर वाले ने चाहा सबकी मदद रही तो आगे बढ़ेंगे। आप अपने एनजीओ के माध्यम से काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ऐसे में देखा कि जो शासन की तरफ से आप निधि नहीं ले रहे कई बार जी, और दूसरी बात शासन से आपकी क्या शिकायत है और शासन से आपकी क्या मांग है आगे चल के एनजीओ को किस तरह की मदद करना चाहिए? शासन से मेरी शिकायत तो कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं शासन से, या हम लोगों ने कभी मांगा नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि हाल ही में मैं 2-3 दिन पहले कुछ पढ़ रहा था, देर इज समथिंग कॉल्ड SSE सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज सरकार चाह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी अभी आ रहा है जिसमें NGOs को प्रमोट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा CSR डोनर्स या जितने भी डोनर्स हैं जो CSR स्लैब में नहीं आते वो आगे आएंगे और NGOs को प्रमोट करेंगे उनके प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए, तो विच इज़ अ गुड थिंग। मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो ताकि बहुत सारी ऐसी NGOs है जिन्होंने हमसे भी अच्छा काम किया है, मेन है काम किया है, काम होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। आगे चलकर हमारे दर्शक आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनके लिए कुछ और बेहतर करोगे। ज़रूर, आप सभी लोगों का साथ है क्योंकि हमारा डोनर बेस काफ़ी बड़ा है, इस वजह से शायद अभी तक ये ज़रूरत नहीं लगी पड़ी हमको कि हम शासन से कुछ मांग सके। डोनर बेस है, काफ़ी लोग हैं आपके समान लोग हैं जो आते हैं फ्री विल से अपनी मदद करते हैं, उसी से ये कार्य चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ऐसा कोई अधूरा कार्य जो आपने किया नहीं हो और समाज हित के लिए आपको करना है, ऐसा कुछ है स्मरणीय आपको? मैं हर कार्य को रोज अधूरा ही मानता हूँ क्योंकि कल मुझे वापस वो करना है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी सारे कार्य है वो हम लोग दिल से करते हैं। समाज हित में और जनहित में आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के नागरिक? हमेशा की तरह मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, एक दूसरे के अंदर उस नारायण को ढूंढिए, वो भी आप ही का एक हिस्सा है, वो भी आप ही का आप ही समान है। अगर हम कुछ कर सकते हैं, एक रुपए क्यों ना हो या कोई भी मदद हम कर सकते हैं समाज के प्रति, तो वो कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीपल नीड्स अस, दे द सोसाइटी नीड्स अस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और हर एक व्यक्ति अगर आता है आगे बढ़ता है, टीम बनती है, तो ये कारवा आगे चलता रहेगा। थैंक यू।